आजकल डालगोना कॉफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गया है, लेकिन क्यों? ये क्यों अभी अचानक से इतना वायरल हो गया? डालगोना कॉफ़ी चीनी, गर्म पानी और कॉफ़ी का एक मलाईदार मिश्रण है जो आज सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ है। डालगोना कॉफ़ी कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट में बनाया गया आइटम नहीं है, डालगोना कॉफ़ी एक होममेड वर्जन है। साउथ कोरिया में क्वारंटाइन के वजह से कॉफ़ी का उपयोग बढ़ गया और इसी के वजह से इसे क्वारंटाइन ड्रिंक या क्वारंटाइन कॉफ़ी भी कहा जाता है। डालगोना कॉफ़ी का क्रेडिट साउथ कोरियन एक्टर जोंग वू को जाता है। जोंग वू एक टीवी शो में परफॉर्मेंस के लिए मकाऊ गए थे और उन्होंने वहाँ वाइप कॉफ़ी का ऑर्डर किया, जिसे हिंदी में फेंटी हुई कॉफ़ी कहा जाता है, और इसे पीने के बाद उन्होंने कहा कि इसका टेस्ट डालगोना जैसा है। साउथ कोरियन में डालगोना एक स्वीट कोरियन कुकी है जिसे हनीकॉम टॉफी भी कहा जाता है। और यहीं से सोशल मीडिया पर डालगोना कॉफ़ी चैलेंज हैशटैग के वजह से होममेड वर्जन ऑफ डालगोना कॉफ़ी पूरे साउथ कोरिया के यूट्यूब चैनल और टिकटॉक पर वायरल हो गया, जो एक इंडियन कॉफ़ी ही है। इंडिया में इसे फेंटी हुई कॉफ़ी कहा जाता है, जिसमें कॉफ़ी के ऊपर दूध को मिक्स किया जाता है और इसमें दूध के ऊपर कॉफ़ी को मिक्स किया जाता है। और इस प्रकार सिर्फ एक डालगोना कॉफ़ी चैलेंज हैशटैग से पूरे विश्व में वायरल हो गया। और ये अभी 2019-20 कोरोना वायरस पैंडेमिक के आइसोलेशन की वजह से लोगों ने इसे चैलेंज के दौर पर इसको और वायरल कर दिया। इस प्रकार डालगोना कॉफ़ी वायरल हो गया। अगर आप जानना चाहते हो डालगोना कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।